कोई अपराध नहीं है, मैं बता रहा हूं। सिर्फ अमित शाह जी बिहार आ रहे थे, अमित शाह जी के कार्यक्रम को रद्द कराना था क्योंकि वो सम्राट अशोक की जयंती में आ रहे थे। नीतीश बाबू को डर लग रहा था, हमारा सब वोट में भाग जाएगा तो आरजेडी वाला कोई वैल्यू देगा कि नहीं देगा, ये सोच रहे थे। तब तो एकदम स्पष्ट रहिए, मैं पूरे बिहार में जा रहा हूं, मैं अभी सीतामढ़ी गया था, मैं अभी बेगूसराय गया था, मुजफ्फरपुर गया था, सासाराम गया था, बिहार शरीफ नालंदा गया था। हम आपको बांका के लोगों को स्वस्थ करते हैं, बांका तो जीतेंगे ही आपके आशीर्वाद से, नालंदा की भी सीट हम पक्का जीतने वाले हैं, आपको बता। इसलिए साथियों पूरी तरह यह तैयारी कर लीजिए क्योंकि 24 यदि आप जीतते हो तभी 25 की कल्पना हो पाएगी। और सबको बताओ, अपने इलाके में बताने का काम कीजिए। भाजपा में तो इतना मंडल अध्यक्ष है हमारे यहाँ, वो इतना सक्षम है, जिला अध्यक्ष विकास जी थे पहले, ये लोग इतना काम कराते हैं मंडल अध्यक्ष से, और स्वाभाविक है हम लोग भी जिला अध्यक्ष से काम कराते हैं। हम तो एकदम स्वस्थ करते हैं बिहार की जनता को कि यदि भाजपा का कोई मंडल अध्यक्ष भी केंद्रीय नेतृत्व के समर्थन से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा वो नीतीश कुमार से 5 गुना अच्छा मुख्यमंत्री होगा। इसलिए अब आपका सहयोग की जरूरत है, हम आज संकल्प यही आग्रह करेंगे, मेरा स्वागत तभी स्वागत माना जाएगा कि 24 में बांका लोकसभा सीट भाजपा चुनाव जीत कर जाए और 25 में 5 के 5। पिछले बार मैंने कहा था, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम बांका से 1 सीट जीत के आ रहे हैं, और हमने कहा था कि बांका की लगभग सीटें जीत जाएंगे, 1 सीट गलती से 1000-2000 वोट से आ रहे थे। और इस बार तय कीजिए कि बांका के पांचों सीट भाजपा के खाते में देकर बिहार में नई सरकार बनाना। इसलिए आप तमाम लोगों ने मेरा स्वागत भी किया, तमाम लोगों से